अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम उसामा रियाज है और आप गूगल्स लाइसियम का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गूगल्स लाइसियम एक ऑनलाइन एकेडमी है जहां पे पीपीएससी, एफपीएससी और तमाम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करवाई जाती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप एफपीएससी की जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं और लेक्चरर की जो पोस्ट आई है उसमें अप्लाई किस तरह किया जाता है, ठीक है। अप्लाई करने का मेथड क्या है, सबसे पहले यहाँ पे भी एक ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन की, इसे मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। आपने गूगल पे लिखना है FPSC, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, आपने गूगल पे लिखा, ये पहला लिंक आया fpsc.gov.pk, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर आपने क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे है जी जी आर एग्जाम्स, इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है। जी आर एग्जाम्स के ऊपर आप क्लिक करें, जी आर एग्जाम्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे है एडवर्टाइजमेंट्स, इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जो लोग मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने ये यहाँ से ना डायरेक्ट अप्लाई कर लेना है, वो जो ऑनलाइन वाला लिंक है यहाँ से आपने अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर करके डायरेक्ट ही अप्लाई कर लेना है, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट अप्लाई कर लेना है, ठीक है। मोबाइल से ये आसान है, जो लैपटॉप कंप्यूटर पर करेंगे वो इस तरह करें डिटेल से। तो करंट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर करें क्लिक। अब किसके ऊपर क्लिक करना है, करंट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। अब मैंने करंट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक किया, ये करंट एडवर्टाइजमेंट आ गई, ठीक है। अब करंट एडवर्टाइजमेंट को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, टू व्यू एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे टू डाउनलोड फी चलान, फी चलान को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे, तो मैं इसे न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। फी चलान को टू अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हेयर, तो ये यहाँ पे भी मैंने कर लिया। एफपीएससी में अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको फीस जमा करवानी होती है। मैं अब आपको फॉर्म दिखाता हूँ, ये देखें मैंने एफपीएससी का फॉर्म ओपन कर लिया। लेक्चरर में आप लोगों ने अप्लाई करना है, तो सिलेक्ट जॉब यहाँ पे करेंगे क्लिक, सिलेक्ट जॉब पे जो भी जॉब्स आई हुई हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट जॉब, यहाँ पे जॉब्स आ गई। अब ये लेक्चरर अरेबिक, लेक्चर बायोलॉजी, लेक्चर बॉटनी, तो मैं लेक्चर बॉटनी को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने लेक्चर बॉटनी को सिलेक्ट किया। अब वो पूछ रहा है कि क्या आपके पास बीएस या एमएससी बॉटनी, ठीक है, ये से रेलिवेंट जो एजुकेशन है वो आपके पास है, ठीक है, क्या आपके पास ये रेलिवेंट एजुकेशन है, ठीक है। वो पूछ रहा है क्या आपका क्राइटेरिया ये बनता है, ठीक है, ठीक है। तो अप्लाई, मेरे पास क्राइटेरिया है, मैं कर देता हूँ अप्लाई। तो मेरी एज भी जो है वो 22 साल से ज्यादा है और 33 साल तक की फीमेल्स जो है अप्लाई कर सकती है। ये जो लेक्चर वाली जॉब है फीमेल्स की भी आई है, जब मेल की आएगी उसके साथ मेल लिखा होगा। अभी फीमेल की आई है तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल, तो अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर कर लिए, यहाँ पे अब आपने अपना CNSE नंबर लिखना है, यहाँ पे आपने फिर लिखनी है डेट ऑफ फी डिपॉजिट इन बैंक। तो मैं फॉर एग्जाम्पल 8 अगस्त को किया, तो 8 अगस्त सेलेक्ट कर लें। अब फीस जमा होगी तो ये सारे का सारा अप्लाई होगा, ठीक है, फीस जमा होगी तो ये अप्लाई होगा। तो फीस जमा करवाने के लिए आपको चलान फॉर्म किस तरह फिल करना है वो बताता हूँ मैं आपको। देखो चलान फॉर्म जो है ना, ये आपने एक प्रिंट ले लेना चलान फॉर्म का, और इसकी आपने कोई 20-25 फोटो कापीज करवा के अपने पास रख लेनी है, क्योंकि एफपीएससी की जॉब्स हर महीने आती हैं, तो एक ही चलान फॉर्म जो है ना वो हर पोस्ट के लिए होता है, ठीक है, एक ही चलान फॉर्म होता है हर पोस्ट की। तो बार बार प्रिंट निकलवाने से बेहतर है एक प्रिंट निकलवाओ, क्योंकि अब प्रिंट भी जो है वो 10 रुपए 20 रुपए का निकलता है और फोटो कॉपी जो है 5 रुपए की है 2 रुपए की है। तो एक प्रिंट निकलवाओ, उसकी कोई 20-25 फोटो कॉपीज करवा के अपने पास रख लो, ठीक है। तो अब ये जो लेक्चरर की पोस्ट पे जिसने अप्लाई करना है उसने क्या करना है, लेक्चरर की पोस्ट पे अप्लाई करना है जी, ये बैंक नेम यहाँ पे लिखना है, बैंक कौन सा, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में आपकी फीस जमा होगी। बैंक कोड क्या होता है, जिस ब्रांच में आपने फीस जमा करवानी है ना, हर ब्रांच का अपना कोड है, ठीक है।
हर ब्रांच का, नेशनल बैंक की हर ब्रांच का अपना कोड है, तो हर बैंक की ब्रांच का अपना कोड होता है, हर ब्रांच का अपना कोड होता है। तो जब आप जिस बैंक में फीस जमा करवाने जाएंगे उसे ब्रांच कोड पूछ लीजिएगा, और पूछ के ये लिख लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बैंक ब्रांच, जिस जिले में वो बैंक ब्रांच है उसका जिला लिखना है, फिर नेम ऑफ कैंडिडेट लिखना है, फिर आपने अपना CNSE नंबर लिखना है, केस नंबर F.4, यहाँ पे जी जो केस नंबर है जो मैंने जो एडवर्टाइजमेंट में भी लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें केस नंबर यहाँ पे आएगा लेक्चरर का 167, ठीक है। अब केस नंबर देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ, तो केस नंबर जो है यहाँ पे 167, अब बोटनी है ना, तो बोटनी के साथ वो सी था, तो यहाँ पे 167 सी आ गया, ठीक है। तो 167 अकेला भी लिख सकते हैं, 167 के साथ सी भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, अच्छा ये केस नंबर आपने कर लिया, केस नंबर भी पूरा नहीं हुआ, केस नंबर के अंदर अभी 167 हो गया। हर हर पोस्ट का अपना अपना केस नंबर है, एडवर्टाइजमेंट में केस नंबर मेंशन होता है, जो मैंने एडवर्टाइजमेंट वाली लेक्चर की वीडियो बनाई है उसमें मैंने केस नंबर बताया हुआ है लेक्चर का, ठीक है। तो जो मैंने FPSC की लेक्चर की वीडियो बनाई है गूगल लाइसेंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर जो पड़ी हुई है, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि केस नंबर किधर लिखा होता है, तो केस नंबर जो है वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और केस नंबर जो है वो आप एडवर्टाइजमेंट से भी देख सकते हैं। तो F.4167 आगे 20 लिखा हुआ है, अब 20 के आगे आपने खुद ही 23 डाल देना, 2023 इसे पूरा खुद ही कर लेना है। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन फी फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, तो पोस्ट ऑफ लेक्चरर BS17, ठीक है, पोस्ट पोस्ट ऑफ लेक्चरर BS17 RS। अब लेक्चरर की जो पोस्ट है उसकी कितनी फीस है, 300 रुपया, 300 रुपी फी है लेक्चरर की पोस्ट की। तो लेक्चरर की जो पोस्ट है उसकी फीस कितनी है, तो लेक्चरर की जो पोस्ट है उसकी फीस है 300 रुपया। अब यहाँ पे 3300 लिख देना, यहाँ पे लिख देना 300, और यहाँ पे वर्ड्स में लिखनी है 300 300, ठीक है। यहाँ पे जिस दिन आपने फीस जमा करानी है वो डेट लिख देनी है, और यहाँ पे भी आपने लिख देना 300, अमाउंट ₹300, ठीक है, 300 लिख देना यहाँ पे भी, तो यहाँ पे 300 लिख दिया। उसके बाद जी ये बाकी खाने भी आपने इसी तरह फिल करने हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह फिल करने हैं जिस तरह आपने ऊपर वाला किया। तो ये चार जो है ना ये आपने फिल करने हैं। जब आपकी फीस जमा हो जाएगी ना बैंक में, तो दो कॉपियां जो है वो बैंक वाला खुद रख लेगा, और दो कॉपियां वो आपको दे देगा, ठीक है। तो दो कॉपीज वो खुद रख लेगा, दो कॉपीज आपको दे देगा। आपने क्या करना है, आपने ये जो फी चलान है इसे संभाल के रख लेना है। फी चलान अगर आपके पास होगा तो आप टेस्ट दे सकेंगे, अगर आपके पास फी चलान ना हुआ तो टेस्ट सेंटर वालों ने आपको भगा देना है। फी चलान आप लोगों ने इस तरह संभाल के रखना है जिस तरह 5 तोले का हार होता है, ठीक है। तो फी चलान आपने इस तरह संभालना जिस तरह 1 तोले का जो है ना कड़ा होता है, तो 2 तोले का कड़ा कर लें, आजकल औरतें कड़े वजनी पहनना पसंद करती हैं, तो कड़ा सॉरी जो फी चलान है वो आपने सोने की तरह संभाल के रख लेना है, इसके बगैर आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो फी चलान आपने संभाल लेना है। जब आपने पेपर देने जाना है तो सेंटर में जो निगरान हो अगर उन्हें आपसे फी चलान लेना है, तो FPSC का जो भी हो, CSS MPT हो, CSS हो, वन पेपर हो, फी चलान आप लोगों ने संभाल के रखना होता है, ठीक है। अब फी चलान हो गया, फीस जमा हो गई, फी चलान घर आ गया, अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, जिस दिन बैंक में फीस सबमिट हुई वो कितनी फीस जमा हुई, 300 रुपया लेक्चर की फीस है, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लें जी 300, 300 सिलेक्ट कर लें, फिर बैंक नेम नेशनल बैंक जिसमें जमा करवाई है, ब्रांच कोड, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्रांच में जमा कराई नेशनल बैंक सिविल लाइन्स ब्रांच, उसका कोड है 0401। याद रखें हर ब्रांच का अपना अपना कोड है, हर ब्रांच का अपना कोड है, ठीक है। तो ये जो शेखुपुरा में जो सिविल लाइन्स ब्रांच है उसका कोड है 0401। फिर जिला सिलेक्ट कर लें, अब ये शेखुपुरा में मैंने फीस जमा करवाई थी तो मैंने यहाँ पे शेखुपुरा सिलेक्ट कर लिया। अब डोमिसल मेरा पंजाब का, तो ये पंजाब जो सिलेक्ट कर लेना। फिर जेंडर, जेंडर जो ये फीमेल्स ही अप्लाई कर सकते हैं तो फीमेल ही आएगा। फिर रिलीजन, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, मुस्लिम। डोमिसल डिस्ट्रिक्ट, जिस जिले का आपका डोमिसल है, तो आप लोग अपने डोमिसल जो है ना वो बनवा के रखें, अपने आईडी कार्ड बनवा के रखें, अपने वैक्सीनेशन कार्ड बनवा के रखें। वैक्सीनेशन कार्ड सारे लोग बनाए, कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड सबके पास, कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड हो। PPSC के अंदर विदाउट कोरोना वैक्सीनेशन आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो शेखुपुरा जो है तो कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड लाजमी बनवाए सब लोग।
पीपीएससी की जो जॉब्स आती हैं उसमें वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर आप नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। तो कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड का नंबर आपके पास होना चाहिए। टेस्ट सेंटर, अब लेक्चरर की जो पोस्ट है इसका टेस्ट सेंटर कौन कौन सी ऑप्शंस है आपके पास, टेस्ट सेंटर की कौन कौन सी ऑप्शन है? तो डेरा इस्माइल खान है टेस्ट सेंटर की ऑप्शन, गिलगित गिलगित है, गिलगित शहर गुजरांवाला के अंदर टेस्ट सेंटर है, हैदराबाद के अंदर टेस्ट सेंटर बन सकता है, इस्लामाबाद के अंदर टेस्ट सेंटर की ऑप्शन है, ठीक है, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पिशावर, क्वेटा, स्कर्दू, सखर। सियालकोट से बहुत से लोग थे जी, सियालकोट से बड़ी आवाम थी जो मुझसे पूछ रही थी कि सर टेस्ट सेंटर कहाँ पे बनेगा। तो सियालकोट वाले लाहौर भी पेपर दे सकते हैं और सियालकोट वाले गुजरांवाला भी दे सकते हैं, बल्कि सियालकोट वाले स्कर्दू भी दे सकते हैं, यानी आपकी मर्जी, आप जो सा मर्जी टेस्ट सेंटर रखें, ये तो आपकी मर्जी है कि आप टेस्ट सेंटर कौन सा रखते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्जी है जी आप टेस्ट सेंटर कौन सा रखते हैं, लेकिन आपने टेस्ट सेंटर वो रखना है जहां पे आप इजीली पहुंच भी सकें, ठीक है। तो जो सियालकोट वाली साइड से है वो गुजरांवाला और लाहौर, अब आपको बेहतर पता है कि गुजरांवाला आप लोग इजीली जाते हो या लाहौर आप लोग इजीली जाते हो, तो जो जो आपको इजी लगता है, फैसलाबाद वालों को लाहौर ही सूट करता है, ठीक है, तो फैसलाबाद वाले लाहौर ही रखेंगे, मुल्तान तो अब रखने से रहे फैसलाबाद वाले। तो इसी तरह आपने जो सेंटर आपको सूट करता है अपनी फैमिली से मशवरा करें, क्योंकि फीमेल्स हैं तो फैमिली वालों से मशवरा करें कि इन शहरों में से कौन सा सेंटर आपको सूटेबल रहेगा, तो फैमिली से मशवरा करके वो सेंटर रख लें। फिर टेस्ट सेंटर जी मैं फॉर एग्जाम्पल लाहौर रख लेता हूँ। इंटरव्यू सेंटर, इंटरव्यू सेंटर कौन सा रखना है? इंटरव्यू सेंटर में आपके पास गिलगित, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान और पिशावर, क्वेटा की ऑप्शन है, तो लाहौर मैंने कर लिया, ठीक है। डू यू पोसेस दी अबव क्वालिफिकेशन है, वो पूछ रहा है क्या आपके पास बीएस की डिग्री आपकी होगी है या आपकी एमएस, एमएससी की, एमए की डिग्री होगी है? जी मेरी हो गई है, तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा, ठीक है। इश्यूएंस ऑफ ट्रांसक्रिप्ट डेट मेक्स यू एलिजिबल, अब ये जो इश्यूएंस ऑफ ट्रांसक्रिप्ट है इसका मतलब ये नहीं कि किस डेट को आपने डीएमसी निकलवाई है या किस डेट को आपको ट्रांसक्रिप्ट मिली है, इसका मतलब ये है कि जो आपका 8वां सेमेस्टर था, जो आपका 8th सेमेस्टर है, उसका नोटिफिकेशन किस डेट को हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा 8वां सेमेस्टर था उसका नोटिफिकेशन हुआ था 18 जुलाई 2019 को और मैंने डीएमसी ली थी अगस्त में, तो मैं अगर अप्लाई करता तो मैं ये लिखता 18 जुलाई 2019 कि मेरे 8वें सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो 18 जुलाई 2019 को आया था। तो जो आपके 8वें सेमेस्टर का जो रिजल्ट आता है उसका लिखा होता है नोटिफिकेशन डेट, ठीक है, नोटिफाइड, वो नोट आपका रिजल्ट नोटिफाई कब हुआ, उसका नोटिफिकेशन कब हुआ, तो वो डेट लिखते हैं जिस डेट को आपका रिजल्ट नोटिफाई होता है, नोटिफिकेशन होता है। एक रिजल्ट होता है जो टीचर अनाउंस करता है, जो आपको बता देता है रिजल्ट टीचर क्या आपका जी ये रिजल्ट आ गया 8वें सेमेस्टर। एक रिजल्ट होता है जो यूनिवर्सिटी ऑफिशियली अनाउंस करती है, वो एक सीजीपीए लिस्ट लगाती है, तो सीजीपीए लिस्ट जो पूरे सारे मेजर्स की, ठीक है, पूरी पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी की सीजीपीए लिस्ट लगती है, तो वो जो सीजीपीए लिस्ट के ऊपर ऊपर लिखा होता है नोटिफिकेशन, ठीक है, तो सीजीपीए लिस्ट के ऊपर नोटिफिकेशन डेट लिखी होगी किस डेट को वो नोटिफिकेशन हुआ, तो वो डेट आपने लिखनी है यहाँ पे। फिर आपने एंटर वेरिफिकेशन कोड कर देना है, तो यहाँ पे आपने कर देना जी वेरिफिकेशन कोड को एंटर। फिर आपने प्रोसीड टू स्टेप टू कर देना है, ठीक है। अब प्रोसीड टू स्टेप टू कर देंगे तो फिर आपसे एक पिक्चर का आएगा कि पिक्चर एक अपलोड करें, पिक्चर आपने जो है ना सॉफ्ट लॉजिक आपने गूगल पे लिखना है, गूगल पे आपने लिखना है जी सॉफ्ट लॉजिक्स, सॉफ्ट लॉजिक्स रीसाइज, तो सॉफ्ट लॉजिक की जो रीसाइज करने वाली फैसिलिटी, सॉफ्ट लॉजिक एक वेबसाइट है, इधर से आपने पिक्चर को रीसाइज कर लेना है, ठीक है, सॉफ्ट लॉजिक्स रीसाइज, अच्छा जी मैंने गूगल के ऊपर लिखा, मैंने गूगल के ऊपर लिखा सॉफ्ट लॉजिक रीसाइज इमेज, ये पहला लिंक आ गया मेरे पास, इसके ऊपर मैंने कर लेना है क्लिक। आपको तरीका वो बता रहा हूँ जो मोबाइल के ऊपर भी इजी रहेगा। यहाँ पे आपने आगे आपने यहाँ पे की चूज फाइल, फाइल चूज करके फिर आपने कंप्रेस इमेज के ऊपर क्लिक करना है, वो इमेज जो है कंप्रेस हो जाएगी, रीसाइज हो जाएगी। रीसाइज करने के बाद आपने डाउनलोड इमेज कर लेना है और जो डाउनलोड इमेज हुई है उसको आपने स्टेप टू में जाके यो मतलब इसके बाद स्टेप टू आएगा ना, तो स्टेप टू में वो इमेज आपने अपलोड कर देनी है। फिर वो आपसे आपका एड्रेस वगैरह पूछेगा, घर का एड्रेस वगैरह लिख देना है, सीएनएसी नंबर दोबारा लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, फिर आपने क्या लिखना है अपना क्वालिफिकेशन लिखनी है,
क्वालिफिकेशन में आपने सबसे पहले मैट्रिक की क्वालिफिकेशन लिखनी है, फिर इंटरमीडिएट की लिखनी है, फिर आपने जो बीएस किया है उसकी क्वालिफिकेशन लिखनी है, अगर बीएससी की थी या बीए किया था तो वो लिखना है, फिर अगर जिसने बीए बीएससी किया था 2 साल वो फिर 2 साल एमए एमएससी का मेंशन करेगा, फिर आपने अप्लाई कर देना है। और याद रखिएगा कि एक ही गलती आप एडिट कर सकते हैं, जस्ट एक बार गलती ना कीजिएगा, बड़ा चेक कर करके फॉर्म को फिल कीजिएगा, चेक कर करके फॉर्म को फिल कीजिएगा, गलती ना कीजिएगा, बाद में एडिट होना बहुत मुश्किल है। जब आपका अप्लाई हो जाए तो फिर आपके पास आगे आ जाएगा डाउनलोड फॉर्म, तो आपने वो फॉर्म को डाउनलोड कर लेना और अपने पास महफूज रख लेना है, एफपीएससी की एड्रेस पे नहीं भेजना, एफपीएससी का कोई फॉर्म एफपीएससी को नहीं भेजते, जस्ट सबूत के तौर पे आपने वो फॉर्म अपने पास रख लेना कि मैंने मेरा अप्लाई हो गया है, ट्रैकिंग आईडी वगैरह आप अपने पास रख लेनी है, उसके ऊपर ना फॉर्म के ऊपर ट्रैकिंग आईडी लिखी होती है, तो सबूत के तौर पे आपने वो फाइल सेव करके अपने पास रख लेनी है कि, और उसको फाइल को जब सेव कर लो ना तो एक दफा लाजमी पढ़ लेना उसके ऊपर आपने क्या लिखा था, तो लाजमी पढ़ लेना, जो फाइल सेव करो उसको लाजमी पढ़ लेना, कोई मिस्टेक ना की हो। तो जो ग्रेड 14 ग्रेड 17 की जो पोस्ट होती है उसकी फीस है 300 रुपया, तो लेक्चरर की जो पोस्ट है उसकी कितनी फीस है, 300 रुपया फीस है, तो नेशनल बैंक में आपने 300 रुपया जमा करवानी है लेक्चरर की सीट, ठीक है। बाकी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जी, गूगल लाइसियम का व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरा नंबर नोट कर लें और मुझे मैसेज करें अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ऐड नहीं है तो मैसेज करें, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो। और आज जो है मतलब 8 अगस्त की रात 11:31 में मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, तो 9 अगस्त को जो है मैं सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, अगली जो वीडियो है वो सिलेबस के ऊपर है, और क्या एग्रीकल्चर वाले इन पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेक्चरर की सीट पे एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल हैं या नहीं, तो 9 सितंबर को जो है वीडियो अगली जो आएगी रात को वो आएगी सिलेबस के ऊपर, और वो वीडियो आएगी कि एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल हैं या नहीं। अच्छा, ये जो पोस्ट है ना लेक्चरर की, इनका टेस्ट होगा कब, नवंबर से पहले इनका टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं लेक्चरर बायोलॉजी का बता ही देता हूँ, लेक्चरर बायोलॉजी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, बोटनी वाले भी कर सकते हैं, लेक्चरर बायोलॉजी में बोटनी वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेक्चरर बायोलॉजी के अंदर जो है वो जूलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले भी जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो कल मैंने ना एक एक सब्जेक्ट के सिलेबस के ऊपर वीडियो बनानी है, लेक्चरर बोटनी की अलहदा वीडियो बनानी है, हर लेक्चरर के पेपर की अलहदा अलहदा मैंने वीडियो बनानी है सिलेबस की, तो इंशाल्लाह कल जो है ना एक एक सब्जेक्ट में मैं बताऊंगा कि इसमें लेक्चर बोटनी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, लेक्चर जूलॉजी में कौन कौन कर सकता है, केमिस्ट्री में कौन कौन कर सकता है, फिजिक्स में कौन कौन कर सकता है, इनका सिलेबस क्या है, तो एक एक सब्जेक्ट का मैं बताऊंगा, एक एक सब्जेक्ट की मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, ताकि कोई भी वीडियो लंबी ना हो, आपका जो सब्जेक्ट है आप उसके एतबार से वो वीडियो देख लें, ठीक है, वो वीडियो उस एतबार से आप लोग देख सकें, ठीक है। ओके जी, तो ये 0300-421-9263 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, गूगल लाइसियम का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती है उनके बारे में खुद को अपडेट रखें। इसके अलावा 15 अगस्त से मेरा गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी के लिए बैच स्टार्ट होने लगा है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी के लिए उसकी जो टाइमिंग होगी वो शाम 4:45 से 6:45 तक होगी, वो वैसे तो मैंने 4 हफ्ते टाइम रखा है लेकिन 4 हफ्ते का नहीं, वो 1.5 महीने का बैच होगा, 4,000 उसकी फीस है, 1.5 महीने का बैच है, 4,000 उसकी फीस है, तो उस बैच के अंदर तमाम गवर्नमेंट जॉब्स की जो है वो तैयारी करवाई जाएगी, जीके के तमाम कंटेंट्स को तैयारी करवाई जाएगी। आप में से देखा, आप लोग अब आप में से कुछ लोग अब एमफिल करने के चक्करों में हैं, आप लोग एमफिल कर लो, पीएचडी कर लो, आखिरकार आपने पीपीएससी एफपीएससी दे के कुछ बनना है, एमफिल करके भी आपने इसी मुकाम पे होना है जिस मुकाम पे आप आज हो बीएस करके या बीएससी ऑनर्स करके, ठीक है। एमफिल ने आपको जॉब नहीं देनी, एमफिल ने आपको जॉब नहीं देनी, तो खुदा का वास्ता है, अब आप जॉब्स के लिए एलिजिबल हो गए हैं, अब आपकी एक डिग्री हो गई है, तो जिस जिस जॉब में आप एलिजिबल हैं उसमें तो अप्लाई करो, एफपीएससी में लाजमी अप्लाई करना है, इसमें कोई चांस का मसला नहीं है, इसमें लाजमी अप्लाई करना, ठीक है। अब जॉब्स आपका आपका टाइम आ गया कि अब आप टेस्ट दो जॉब्स के, ठीक
ठीक है, तो जॉब्स की तैयारी करनी है तो मेरा सेशन ज्वाइन करो, ठीक है। आप खुद देखोगे कि आपके अंदर जो है कितना चेंज आ रहा है सेशन ज्वाइन करने के बाद। जो लोग वाकई जॉब हासिल करना चाहते हैं, जो लोग वाकई कुछ करना चाहते हैं, वो मेरा 15 अगस्त वाला सेशन लाजमी ज्वाइन करें, ठीक है। अच्छा, जिसको 4:45 से 6:45 तक ये 2 घंटे का लेक्चर सूट नहीं करता यानी टाइम, तो वो परेशान ना हो, 24 घंटे के लिए आपको रिकॉर्डिंग भी फ्राहम की जाएगी। आप रात को या सुबह के टाइम जो है रिकॉर्डिंग से अपना लेक्चर जो है वो कवर कर लेना, ठीक है। वो रिकॉर्डिंग आप डाउनलोड नहीं कर सकेंगे, आपने लाइव ही देखनी है, लेकिन उसे आप जो अपना वो कवर कर लेना, ठीक है। तो जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना टाइम जाया ना करना। जो आपके सीनियर्स गलतियां कर रहे हैं, वो गलतियां आप लोग ना करना। अभी से गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी स्टार्ट करो, अभी से अप्लाई करना स्टार्ट करो। एमफिल ने आपको कुछ भी नहीं देना। अगर ज्यादातर लड़कियां ये वीडियोस देखती हैं लेक्चरर की, क्योंकि लड़कियां ही हैं लेक्चरर। देखो, जो लेक्चरर की पोस्ट है ना, पीपीएससी की, ओएफपीएससी, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि एफपीएससी लेक्चरर और पीपीएससी लेक्चरर में क्या फर्क है, ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुनो, लेक्चरर की पोस्ट के लिए एमफिल चाहिए ही नहीं है। लेक्चरर बनने के लिए ना बीएड चाहिए ना एमफिल चाहिए। आप लोग एलिजिबल हो, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए, आप लोग एलिजिबल हो। मैं ये नहीं कहता कि आप एमफिल ना करो, करो, लेकिन अभी अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई करो, जॉब में जाओ। मेरी बहुत सी स्टूडेंट्स हैं जिनकी एमफिल कंप्लीट नहीं थी हुई, वो बीएस के बाद फौरन 2020 में उनकी बीएस एंड हुई। आज से 3 साल पहले जब 2020 में मैंने बैच नंबर 1 स्टार्ट किया था, तो मेरी बहुत सी स्टूडेंट्स थी जिनका बीएस अभी फ्रेशली खत्म हुआ था, उन्होंने मेरा सेशन ज्वाइन किया। पीपीएससी का जो लेक्चरर के 20% का जीके का पोर्शन होता है, उन्होंने मुझसे तैयारी की, ठीक है, और उन्होंने एमफिल के दौरान ही उनकी जॉब हो गई, वो उनकी एमफिल भी हो गई और वो जॉब भी चल रही है। तो आप एमफिल के चक्रों में ना बैठिएगा, ना एमफिल के चक्रों में रहिएगा। जॉब जो है वो आप लोग अभी से उसकी तैयारी करें, अभी से जो है वो फुल फोकस करें और जॉब की तरफ जो है वो अटेंशन दें। तो बाकी सिलेबस की वीडियो जो है मैं बना के कल शेयर कर दूंगा कि लेक्चरर की जो पोस्ट है उसका सिलेबस क्या होगा, ठीक है। तो लेक्चरर की पोस्ट का क्या सिलेबस होगा वो मैं बना के शेयर कर दूंगा, लेक्चरर की पोस्ट का क्या सिलेबस होगा, ठीक है, और लेक्चरर की पोस्ट का क्या क्या सिलेबस है और कौन कौन किस किस लेक्चरर में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अभी टाइम की कमी की वजह से मैं वो वीडियो नहीं बना रहा। थैंक यू जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें।